खजनी पुलिस ने ग्राम मऊधर मंगल में हुई घटना में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रविवार को खजनी थाना क्षेत्र के मऊधर मंगलपुर में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडों के साथ ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिसमें चार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति नाजुक जानकर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है जो कि खतरे से बाहर है। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि खजनी थाना क्षेत्र के दो पक्षों के बीच में रविवार को विवाद हो गया था। इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके संबंध में खजनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था तथा अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, क्योंकि जो अभियुक्त है वह सरकारी कर्मचारी है। उनके विभाग को भी इस संबंध में सूचना भेजकर अवगत करवाया जा रहा है, जिससे उन पर विभागीय कार्रवाई हो सके। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त को सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षु केंद्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान भगवान दास उर्फ मुन्ना पुत्र राम सेवक निवासी मऊधर मंगल थाना खजनी के रूप में हुई है, जिसको जेल भेज दिया गया है। जल्द ही वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, थाना खजनी में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक वीडियो भी जिस संबंध में वायरल हुआ था, उसमें जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया है, साथ ही साथ जो इसमें मुख्य अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके विभागों को भी इस संबंध में सूचना भेजी जा रही है ताकि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी हो। जो बाकी बचे अभियुक्त हैं उसके लिए टीम लगी हुई है, जल्द ही उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।